आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। द पार्ट ऑफ प्रोटीन कोडिंग जीन दैट इज ट्रांसलेटेड इनटू प्रोटीन इज कॉल्ड। यहाँ पूछा गया है कि प्रोटीन कोडिंग जीन जो कि प्रोटीन में ट्रांसलेट हो पाता है वो कौन सा है इन चारों में से। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। तो पहला ऑप्शन है प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट। प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट जो है ये एक सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है जो कि सिंथेसिस होके आता है ट्रांसक्रिप्शन में, और इस यही जो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट है ये प्रोसेसिंग में जब मैच्योर एमआरएनए तैयार होता है तो ये कट ऑफ हो जाता है। नेक्स्ट है एक्सॉन। तो एक्सॉन एक ऐसा सीक्वेंस है जो कि मैच्योर आरएनए में पाए जाते हैं, और ये आफ्टर स्प्लाइसिंग द कोडिंग सीक्वेंस होते हैं। कोडिंग सीक्वेंस वो सारे सीक्वेंस हमारे एक्सॉन्स होते हैं जहाँ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कैरी होता है जेनेटिक। नेक्स्ट है ओपन रीडिंग फ्रेम्स। ओपन रीडिंग फ्रेम्स को ओआरएफ भी कहा जाता है, जो कि एक स्ट्रेच ऑफ कोडोन्स है जो कि पाया जाता है स्टार्ट कोडोन के हिसाब से, कहाँ पे ट्रांसलेशन में, या फिर यही ट्रांसलेटेड होता है ट्रांसलेशन के प्रोसेस में, और यही ट्रांसलेटेड होके प्रोटीन भी बनता है। इसीलिए हमारे क्वेश्चन हिसाब से जो कोडोन बन के प्रोटीन होता है ट्रांसलेट होके वो हो जाएगा ओपन रीडिंग फ्रेम, तो हम लोग इसको टिक कर लेंगे। नेक्स्ट है एंटीसेंस। तो एंटीसेंस कोडोन एक ऐसा स्ट्रैंड है जो कि कोड नहीं करता है, मतलब ये वो स्ट्रैंड है जो कि 5' to 3' एंड ऑफ पोलैरिटी ऑफ डीएनए में पाया जाता है, यानी हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा ओपन रीडिंग फ्रेम जो कि थर्ड ऑप्शन है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, आईआईटी, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।